हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। यूजीसी नेट चैनल पर सभी मेरे प्यारे साथियों का, सभी मेरे मित्रों गणों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है मेरे दोस्तों, यूजीसी नेट थंबनेल आपको दिख रहा होगा, यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए आपका जो पेपर फर्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और पेपर फर्स्ट में मेरे मित्रों, जो अपियरिंग वाले विद्यार्थी होते हैं अर्थात जो फ्रेशर होते हैं, उनको पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं होती है। दूसरी चीज, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ये सोच के धूल में लठ दे के काम चलाते हैं कि नेट का एग्जाम है, देना है, एक बार दे लिया, दो बार दे लिया, तीन बार दे लिया, और अभी तक उनको सिलेबस पता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए नेट कर पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और पेपर फर्स्ट में क्या पढ़े, कहाँ पढ़े, कितना पढ़े, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे मित्रों। तो ये एक वीडियो मैं इसी के लिए बनाया हूँ क्योंकि पुराने जो पेपर है ना, पुराने पेपरों में ये जो यूनिटों में से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहाँ से मैंने है ना आपको ये सिलेबस एक तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ गए तो आप क्या सोचते हो कि आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस में नहीं आया भैया, सिलेबस का पार्ट है। भूकंप का आ गया, ज्वालामुखी का क्वेश्चन आ गया, प्रोटोकॉल का कोई क्वेश्चन आ गया, या आपके ओजोन लेयर से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, या एटमॉस्फेयर कंपोजिशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप बोलोगे अरे भैया ये हमारे सिलेबस में नहीं है। या वर्ड की कोई ट्राइब्स आ गई, ठीक है ना, वर्ड की कोई ट्राइब्स आ गई, जैसे आपके याकूत आ गई, युकादिर आ गई, एस्किमो आ गए, सेमाइड आ गई, निग्रेटो आ गई, ऐसी कोई ट्राइब्स आती है, तो आप क्या सोचोगे ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मित्रों, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। और आज मैं इस सिलेबस की चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे मैं विनम्र विनती और निवेदन करूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक बार इसको शेयर कर दें। जितने भी विद्यार्थी हैं, जहां आप शेयर कर सकते हैं, इसको अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप शेयर कर सकते हो। मैंने आपको कभी नहीं बोला होगा, लेकिन जो विद्यार्थी गांव देहात से हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी ये जानकारी आप लोगों की पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार सभी शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को आपको डिटेल के साथ में मैं आपको बता दूंगा पेपर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है। तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की संपूर्ण जानकारी है मेरे मित्रों। अब यूनिट देखो, इसमें 10 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है। और 10 यूनिट में देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं शिक्षण अभि क्षमता। इसमें देखो यूनिट कौन कौन सी है, जैसे एक तो शिक्षण, एक लर्नर्स करैक्टरिस्टिक्स। लर्नर्स करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है सीखने वाला, अधिगमकर्ता। अब यहाँ पे जब अधिगम से पढ़ाया जाता है, आप सोचते हो सर हमारे सिलेबस में नहीं है ये। अधिगम का मतलब होता है लर्नर्स, तो क्या हमारे सिलेबस में नहीं है? मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण प्रणालियाँ और विधियाँ, यानी कि डिवाइस एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स, यानी कि आपके विजुअल एड्स हैं, ऑडियो एड्स हैं, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट, और इस प्रकार के इसमें है ना, इन सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार से मैंने इसको तैयार किया है, इस प्रकार से मैंने आपको डिजाइन किया है इसको, कि ये टॉपिक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में ये चीज़ आपको पढ़नी है, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्या करना है, अभ्यास करना है। समझ में आया ना? तो पहले नंबर पर शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की सारी चीज़ें आपको परिभाषाएं समझनी है, लर्नर्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप अकॉर्डिंग सिलेबस चलोगे ऐसे, ये सिलेबस क्या है, आए हुए पुराने पेपरों में से है ना, इस प्रकार से मैंने डेकोर किया है कि आपको चीज़ें मिलती रहें। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षण प्रणाली और विधियाँ क्या है, मूल्यांकन प्रणाली क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, और इसके फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट भी मैंने इनमें से है ना, कुछ जैसे टाइड मैन है, समझ में है ना, और आपके सिगमंड फ्राइड है, तो इनके कुछ ऐसे फैक्ट हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं, और इस यूनिट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो एक यूनिट कंप्लीट, और इसमें से आएंगे आपके 5 सवाल, 2 नंबर और 10 नंबर की यूनिट है। दूसरी यूनिट देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड आपको ऐसे लगता है बहुत भारी भरकम सा लगता है, बहुत ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, और ये है, अरे भैया ये रिसर्च एप्टीट्यूड आपके एमए में भी काम आता है, पीएचडी में भी काम आएगा, एमफिल में भी काम आएगा, सब में काम आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखो, मीनिंग ऑफ रिसर्च मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट बात करो,
यानी कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का आपको मतलब पता होना चाहिए, इधर उधर मत घूमो। जनरल नेचर ऑफ रिसर्च, आपको पीएचडी नहीं करनी इसमें, आपको 5 सवाल सही करने हैं और आपको इसमें से 10 अंक प्राप्त करने हैं। आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी, यदि आप पीएचडी में उलझ गए ना तो आप यहीं उलझ के रह जाओगे। मेरा एक रिसर्च का पेपर था ज्योग्राफी में एमए फाइनल में, तो इसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था, बहुत अच्छा स्कोर रहा था इस रिसर्च वाले पेपर में। तो यहाँ पे आपको पीएचडी नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ आपको फैक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप इस अनुसार चलोगे ना, मीनिंग ऑफ रिसर्च मतलब क्या होता है, जनरल नेचर ऑफ रिसर्च यानी कि रिसर्च की सामान्य प्रकृति क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार से हम रिसर्च कर सकते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च इसके सोपान क्या है, मेथड ऑफ रिसर्च कौन कौन से तरीके से अनुसंधान कर सकते हैं, ठीक है ना, और मोरलिटी ऑफ रिसर्च इसकी नैतिकता क्या है, और इस शोध प्रबंध प्रारूप क्या होता है, रिसर्च पेपर शोध पत्र क्या होता है, शोध पत्र बोलते हैं ना, सर आज मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है, तो मैंने एक पेपर तैयार किया और कॉन्फ्रेंस में जाके सबके सामने उसको बोल दिया। अब उस पेपर के लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ होता है, वो रिसर्च पेपर होता है। रिसर्च पेपर आपने देखा होगा बहुत पब्लिश भी होता है, भूगोल और एक आप मैगजीन आती है, भूगोल और आप करके एक मैगजीन आती है, उसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हैं, ठीक है ना। और वर्कशॉप क्या होती है, कार्यशाला, कार्यशाला का मतलब ओपन सेमिनार, ओपन सेमिनार है, आप सब अपन वहाँ पे बैठे हुए हैं ओपन सेमिनार में, और मैंने मेरे को बोल दिया कि आप इस ओपन सेमिनार में इस टॉपिक पे बोलना है, तो वो मैं उसमें है ना, मैं कैसे उसको प्रस्तावना क्या होगा मेरा, किस तरीके से उसका मॉड्यूल होगा, संगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, परिसंवाद, इस प्रकार से ये है। इनका आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए और इनके उद्देश्य आपको पता होने चाहिए, बस, ठीक है ना। और लास्ट में इन सबके क्या करने हैं आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मैंने इस प्रकार से डेकोर किया है इनको मेरे मित्रों, कि आपको ये टॉपिक कराने के बाद में मैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस तौर पे करवाऊं। अगला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो सबसे इजी, दुनिया का सबसे चीज यही है, ठीक है, यानी कि अध्ययन बोध। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो थोड़ी सी है ना आपको सावधानियां बरतनी होती हैं, और बहुत सारे इसमें थोड़े से आपको उदाहरण या लोकोक्तियां याद रखना है, बस और कुछ नहीं। अध्ययन बोधात्मक प्रश्न, जैसे लास्ट में आपके जो इसमें से क्वेश्चन दिए जाते हैं ना उनको करना होता है, एक पैराग्राफ आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही जैसे गद्यांश है, इसको आप क्या करो, एक बार इस गद्यांश को पढ़ने से पहले इसके 5 जो प्रश्न होते हैं उनको पढ़ लो, उनको पढ़ने के बाद में फिर इस गद्यांश को पढ़ लो, फिर आपको ये प्रश्न समझ में आने लग जाएंगे कि यार ये प्रश्न यहाँ मिल रहा है, फिर आप क्या करो दोबारा प्रश्न पढ़ लो और एक बार गद्यांश पढ़ लो, आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये तो दुनिया की सबसे सीधी चीज है, 5 सवाल 2 नंबर 10 नंबर की ये यूनिट है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपको देखो, कम्युनिकेशन नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रकृति क्या है, समझ में आना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विशेषता क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रकार क्या है, वेरियर्स अवरोध क्या आते हैं, कक्षा में प्रभावी संचार क्या होता है, और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको पीएचडी नहीं करनी, इनका मतलब पता होना चाहिए, बस मैं कह रहा हूँ ना, नेट आपका अगर आपको सिलेबस टिप्स पे है ना, जीआरएफ होगी जीआरएफ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप क्या करते हो, संचार की प्रवृत्ति दी हुई है और आप संचार के लक्ष्य भी पढ़ रहे हो, समझ में आया ना, संचार के लाभ हानियाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, दुनिया भर की संचार से होने वाले नुकसान भी पढ़ रहे हो, संचार में पीएचडी कर रहे हो, अरे तो भैया संचार तो कम्युनिकेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, टू द पॉइंट बात करो आप। संचार की प्रकृति सिलेबस में है तो प्रकृति पढ़नी है, संचार की विशेषता है तो विशेषताएं पढ़नी है, संचार के टाइप है तो टाइप ही पढ़ने हैं, अवरोध है तो अवरोध ही पढ़ने हैं, समझ में आया ना। और कक्षा कक्ष में संचार कैसे उपयोगी हो सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से आप कक्षा कक्ष के वातावरण को कैसे प्रभावी बना सकते हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, ठीक है, और इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास। अब आप क्या करते हो, संचार का तो मैटर दुनिया भर का मैटर है, आप इसमें पीएचडी करते रहते हो, ठीक है ना। ये जो संचार कम्युनिकेशन की जो यूनिट है ना, मुश्किल से मुश्किल मैं आपको बताऊं तो ये 6 या 7 पेज की है, बस 6 या 7 पेज की, वो भी कब, जब आप नोट्स बनाते हो, और नोट्स भी कब, जब पूरे नोट्स फ्लो चार्ट में बनाओगे, फ्लो चार्ट में नोट्स बनाओगे ना, तो 6 या 7 पेज की है, ठीक है ना, 6 या 7 पेज की है। तो अब आप देख लो इसमें, एक आपके गणितीय तर्क सहित, यानी कि आपके तर्क शास्त्र की बात करें तो इसमें, ये तो मैथ का पार्ट है, संख्या वाला है,
विभाज्य की जांच है, ठीक है, गणितीय प्रक्रियाएं हैं, समय है, अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कूट लेखन, संबंध, वर्गीकरण, और इनके भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, इनको भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग दुनिया का सबसे सरल टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग रिलेशन वाला, देखो जहाँ से आपके नंबर आ सकते हैं, जहाँ से आपके नंबर आ सकते हैं, समझ में है ना, जैसे रिलेशन वाले में से, जैसे गीता की बुआ सीता, सीता की दादी मीता, मीता का पोता राम, राम का सीता से क्या संबंध है। ये एक अक्षर लेटर सीरीज आती है, जैसे किसी भाषा में जैसे एल एल यू पी आर एफ को जेड डी आर बी यू लिखा जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे सवाल आते हैं, तो ये दुनिया के सबसे सीधे हैं। नंबर सीरीज, दो के बाद में छः आया, छः के बाद में चौदह आया, चौदह के बाद में चौबीस आया, तो चौबीस के बाद क्या आएगा, समझ में आया ना। तो इस प्रकार की जो आपको इजी लगती है ना वो तो कर ही सकते हो इसमें, आपको है कि भाई मेरे को पूरी मैथ नहीं आती है, छोड़ो चार पांच यूनिट कर जाओ, उससे भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसमें से भी आपके है ना वही पांच सवाल दो दस नंबर की आने वाली है। युक्ति या लॉजिकल रीजनिंग सबसे सीधी, तर्कशास्त्र की परिभाषाएं, सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर इसकी उपयोगिता आनी चाहिए, फिर साधनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, सत्य उसके प्रकार, ऐसे सवाल आते हैं, साइंस टर्म, तार्किक परिभाषा और न्यायुक्तिक वाक्य, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए मित्रों, तो ये आपके इसमें, और ये भी बहुत सीधी है, ये भी बहुत सीधी है लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके पांच सवाल वो दस नंबर की ये है, ये सारी की सारी लॉजिकल रीजनिंग ही चल रही है, और लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लास्ट में क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करना है, सूचनाओं का विवेचन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा या सूचना, सूचनाओं के स्रोत, ठीक है। अब क्या है, सूचना की संप्राप्ति, ठीक है, दूसरा सूचनाओं की विवेचना, ठीक है। अब देखो एक तो सूचना की संप्राप्ति और एक सूचना की विवेचना, आप इन दो को ही पढ़ो, आप फालतू चीजों को मत पढ़ो, ठीक है। संख्यात्मक और गुणात्मक सूचनाएं क्या होती हैं, सूचनाओं का रेखा चित्रण के द्वारा कैसे वर्गीकरण किया जाता है, सूचनाओं का मानचित्रण कैसे किया जाता है, मैपिंग डाटा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप इन्हीं को करो। अब डीआई तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, जैसे राष्ट्र है, समझ में है ना, राष्ट्र जैसे ये है, राष्ट्र फोर, राष्ट्र फॉर्मेट, फॉर्मेट सिस्टम ये है, तो ये भी डीआई का ही पार्ट है। अब आप सोचो सर अब राष्ट्र डीआई का पार्ट है तो आप इसको पढ़ने लग जाओ, आपके सिलेबस में ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, फिर क्यों पढ़ रहे हो इसको, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बहुत लंबी चौड़ी चीज है। तो जो है ना उसको पढ़ो आप, जो है अब इसको पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, यूजलेस आप लोगों के लिए ये, ठीक है। तो ये इसके आपके कितने सवाल आएंगे, वही पांच मल्टीप्लाई दो, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे बाइनरी प्रणाली में से सवाल आता है तो बाइनरी प्रणाली पढ़ के जाओ, कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास, कैसे कैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, कंप्यूटर के वायरस, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में शब्दावली। अब जैसे कंप्यूटर के वायरस, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, समझ में आया ना, जो प्रसिद्ध है उनको पढ़ जाओ। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में शब्दावली, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको। फुल फॉर्म पूछता है, इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट से जुड़ना, ईमेल आदि, ये चीजें पूछता है। और इसके फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जैसे आईसीटी वाला पार्ट है ये, तो आईसीटी में है ना, आईसीटी में ये टॉपिक आपको याद रखना है। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इनमें क्या करने का प्रयास करते हो, पीएचडी, मोटी सी किताब ले आते हो मार्केट में और पीएचडी करने का प्रयास करते हो। तो मेरे मित्रों पीएचडी नहीं करनी है आपको, आपको नेट पास करनी है, समझ में है ना। पीएचडी करो तो बाद में नेट क्वालिफाई करने के बाद में पीएचडी कर लेना। सिंपल सा कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस है ना, कंप्यूटर वायरस पाँच सात दस प्रकार का जो मेजर है वो नाम याद रख के जाओ, बस फालतू की याद रखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में है ना। कंप्यूटर से संबंधित और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के संबंधित आपको 50 शब्द मैक्सिमम बता रहा हूँ, 50 तो बहुत ज़्यादा बता दिए, इतने आपके फुल फॉर्म होने चाहिए इनसे संबंधित याद, बस और ज़्यादा नहीं है। अब जन एवं पर्यावरण, पीपल एंड एनवायरमेंट, ये टॉपिक दुनिया का सबसे अच्छा टॉपिक है और इसमें से फ्री के पाँच सवाल है,
फ्री के पास सवाल है, 10 नंबर की यूनिट है ये। अब कहों को तो ये नहीं एनवायरनमेंट पढ़ा देते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता है। तो जन एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, पीपल एंड एनवायरमेंटल इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे ध्रुवीय पर्यावरण, अब ध्रुवीय पर्यावरण का मतलब यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलरली क्षेत्रों में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पाई जाने वाली जनजाति, इन जनजातियों के वस्त्र, इन जनजातियों के आवास, ठीक है। जैसे एस्किमो है, इनके बारे में, मध्य एशियाई पर्यावरण और यहाँ की जनजाति जैसे खिरगीज है, तो यहाँ के मित्रों वस्त्र पढ़ने हैं, आवास पढ़ने हैं, इनका रहन सहन पढ़ना है, इनके मकान को किस नाम से जानते हैं, जैसे एस्किमो है इनके घर को क्या कहते हैं, किर्गीज है इनके घर को क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भारत का तराई प्रदेश और थारू, तो ये जनजाति है, थारू भी जनजाति है, थारू भोटिया ये जनजाति है। तराई प्रदेश जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है उसकी बात करता हूँ। प्रदूषण, तो जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, उसकी बात कर रहे हैं। मानव जीवन पर इनका प्रभाव, मानव जीवन पर इनका प्रभाव, ठीक है ना। और जैसे ये प्रदूषण मैंने बताया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा या मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण, तो ये पोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। फिर प्रदूषण जन्य स्वास्थ्य संगठन पर नियंत्रण, जैसे आप प्रदूषण जन्य स्वास्थ्य संकट का नियंत्रण कैसे करते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों का सुपयोजन पर जीवन पर, अब देखो प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधन, तो मेरे मित्रों यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों पढ़ने हैं आपको। यहाँ पे आपके ऊर्जा के नवीनीकरण साधन, नवीनीकरण साधन और ऊर्जा के अनवीनीकरण साधन दोनों पढ़ने पड़ेंगे, दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ऊर्जा के नवीनीकरण साधन और अनवीनीकरण साधन दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ए नवीनीकरण साधन दोनों पढ़ने पड़ेंगे, जिनको परंपरागत और गैर परंपरागत उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फॉरेस्ट, अब वन संसाधनों में आपको देखो क्या पता होना चाहिए, भारत में जो लेटेस्ट 2019 की वन रिपोर्ट आई है वो, दूसरा IUCN के बारे में पता होना चाहिए, WWF के बारे में पता होना चाहिए, रेड डाटा बुक के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये मेजर मेजर चीजें आपको पता होना चाहिए। जल संसाधन है आपको कि कितना परसेंट मीठा पानी है, कितना खारा है, कितना अंडरग्राउंड वाटर है, कितना ग्लेशियर में है, खनिज संपदा समझ में आया ना, मिनरल्स, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन और मृदा संसाधन, ये देखो मेजर मेजर चीज़ें हैं ये सारी की सारी, टॉपिक क्लासिफिकेशन किया हुआ है। प्राकृतिक संकट एवं उनसे बचाव, जैसे भूकंप है, स्लाइडिंग है, भूसंकलन है, ज्वालामुखी उद्गार है, समुद्री तूफान है, सुनामी जिसको बोलते हैं सुनामी, और वायुमंडलीय विक्षोभ है यानी एटमॉस्फेयर कंपोजिशन से संबंधित, और बाढ़ है यानी कि मैनेजमेंट डिजास्टर का पार्ट है। पर्यावरण संबंधी शब्दावली, जैसे आपको इकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए मेरे मित्रों, हॉट स्पॉट के बारे में पता होना चाहिए, वेटलैंड के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और एक आपको फूड चैन के बारे में पता होना चाहिए और इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये जो यूनिट है, अब आपको ये बहुत तगड़ी यूनिट लग रही होगी, जन एवं पर्यावरण की यूनिट, मात्र और मात्र 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 फ्लो चार्ट में अगर पढ़ाऊं तो 10 से 15 पेज की है, मात्र मात्र कितने पेज की है, 10 से 15 पेज की फ्लो चार्ट में। और 10 से 15 पेज का मतलब क्या है कि कंप्लीट प्रश्न मिलना, कंप्लीट प्रश्न मिलना, 10 से 15 पेज की है, कंप्लीट प्रश्न मिलना, समझ में है ना। जैसे एस्किमो और ध्रुवीय पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर टैगा या टुंड्रा वनस्पति कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे याकूत है, युकाधीर है, एस्किमो जनजाति है, यहाँ के बर्फ के मकान को किस नाम से जानते हैं, यहाँ के शिकार के तरीके क्या हैं, कौन सी शिकार की कौन सी चीज़ें काम में लेते हैं, रहन सहन क्या है, इनका घर कैसा है, तो ये सब चीज़ें, ये पाँच पाँच सात सात लाइनें की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर आप करोगे, और फिर इसका करना है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास, तो मैंने इस प्रकार से इसको डेकोर किया है। अब आपका है हायर एजुकेशन सिस्टम, पूरा एजुकेशन मैनेजमेंट, देखो हायर एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ क्या है, उच्च शिक्षा प्रणाली क्या होती है, उच्च शिक्षा प्रणाली और कोठारी आयोग, कोठारी आयोग आपने नाम सुना होगा, 1964 में बना और 1966 में इसने रिपोर्ट दी, तो पूरा कोठारी आयोग आपको पता होना चाहिए। अब कोठारी आयोग को पढ़ने के लिए आपको कहाँ से, देखो हायर एजुकेशन सिस्टम को जानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1795 की शिक्षा पद्धति से चलना है। हार्टोंग समिति है, लॉर्ड इंचकेप कमेटी है, सेल्डर आयोग है, रिले कमीशन है, हंटर आयोग है, समझ में आया ना, कोठारी आयोग है, यहाँ से आपको शुरू करना है इसको।
औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा क्या होती है, सामान्य शिक्षा क्या होती है, मूल्य या नैतिक शिक्षा क्या होती है, भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की संरचना। ठीक है, अब अन्य कौन कौन सी है, जैसे आपके UGC है, NCERT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसको नेपा बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशासन संस्थान, ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब। अब ये कैब के बारे में आपको है ना, कैब मुश्किल से मुश्किल है ना, एक पेज की चीज है। कैब की शुरुआत कैसे होती है समझ में है ना, तो 1920 में है ना कैब की स्थापना होती है भारत में पहली बार, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, समझ में आया ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसका पूरा नाम है। 1920 में इसकी स्थापना होती है, 1923 में एक लॉर्ड इंच कमेटी बनती है, लॉर्ड इंच केप की अध्यक्षता में, एक कमेटी बनती है जिसका नाम है छटनी समिति, छटनी कमेटी होती है और ये बोलती है कि कैब को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि एजुकेशन का कोई काम नहीं है, तो इसने कैब समाप्त कर दिया मेरे मित्रों। फिर 1928 में एक हार्टोंग समिति का गठन होता है और भारत में गिरती शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए इसने पुनः सुझाव दिया कि कैब की स्थापना होनी चाहिए। 1935 में कैब पुनः शुरुआत हो जाती है इसकी और कैब को जिम्मेदारी दी जाती है कि जितने भी विदेशी स्कूल हैं उनको आप क्या करोगे, मान्यता देगो, समझ में आना। और 1939 में इसने पहली बार पब्लिक स्कूलों को मान्यता देता है, तो छोटी छोटी चीजें हैं ये। उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन है, विद्यालय कॉलेजों के प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की योजना है, भारत में विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रकार हैं, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है, भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची, भारत में उच्च शिक्षा या समग्र दृष्टि से शिक्षा का महत्व और इनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट में स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, इसको मैं बेहतरीन तरीके से आपको कराने वाला हूँ। अब अगला है शासन, राजनीति एवं प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां से देखो प्रश्न कहां से पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये मान के चलो आधे पेज की है, भारतीय संघ और राज्य में संबंध आधे पेज का है, लेजिस्लेटिव, समझ में ना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। इसमें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति क्या होती है, आरक्षण की राजनीति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भारतीय संविधान के संबंध में प्रमुख पारिभाषिक शब्द, जैसे शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, समझ में आया ना, और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये है ना मुश्किल से मुश्किल 5 या 7 पेज में आपको ये पूरा मैं समरी करके बता दूंगा, केवल 5 या 7 पेज में, और वो भी कैसे, फ्लो चार्ट के माध्यम से समरी करके बता दूंगा आपको और सवाल गलत नहीं होगा, समझ में ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, काम क्या था इसका, संविधान सभा क्यों बनाई गई, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, संविधान सभा की मांग सबसे पहले कैसे उठी, तो बात करें 1895 में सबसे पहले स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग उठाई थी अंग्रेजों के सामने कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण करेंगे और संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। अब बात करें 1922 यानी कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की बात उठाई, संविधान सभा की मांग उठाई, और फिर मेरे मित्रों 1923 में क्या होता है, एक दिल्ली में इंडियन कॉमनवेल्थ बिल के नाम से एक बिल पेश किया जाता है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और 1925 में इस बिल को पास किया, तब भी उसमें है ना संविधान सभा की मांग उठाई गई थी, याद रखना है आपको। और 1928 में नेहरू जी के द्वारा, 1934 में मानवेंद्र नाथ के द्वारा, 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा, ठीक है, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग उठाई गई, ठीक है। फिर 1942 में आपके इसमें जो 1942 की अगर बात करें तो 1942 में जो संविधान सभा की मांग उठाई गई उस समय दो चीज़ें हुई, भारत छोड़ो आंदोलन उस समय, एक तो इसमें भी है ना संविधान सभा की मांग उठाई गई कि भारतीय अपना संविधान अपनी इच्छा के अनुसार निर्मित करेंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1945 में जैसे ही है ना विश्व युद्ध समाप्त होता है, इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका भारत की ओर झुकाव होता है, वो अपने कैबिनेट
में से तीन मंत्री चुनते हैं, पैट्रिक लॉरेंस है, अलेक्जेंडर है, समझ में है ना, वहाँ तीन मंत्री चुन के और भारत भेजते हैं कि जाओ ये चेक करके आओ कि वहाँ पे वास्तव में क्या जनता संविधान बनाना चाहती है क्या। इसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसी की पृष्ठभूमि के आधार पर जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा की स्थापना की जाती है। इसमें टोटल 393 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे और इसमें से 296 सदस्य, 292 प्लस 4 इनका निर्वाचन होता है और 93 का इसमें मनोनयन होता है। बस खत्म, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता लग जाएगी। तो ये अपन इस तरीके से आपको मैं पूरा का पूरा एक खाका इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से तैयार करवा दूंगा, जिससे आपका सवाल गलत नहीं होगा। एक आपके ये प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये भी सबसे सीधी चीज़ है। सैम्पलिंग क्या होती है, जैसे आप चावल बनाते हो, समझ में है ना, चावल बनाते हो आप और चावल बनाते हो तो क्या पूरों को थोड़ी निकाल के देखते हो कि पके कि नहीं पके, एक को देख के पता लग जाता है। ऐसे ही आपको ये सैम्पलिंग होती है, तो ये आपको करवा दी जाएगी सारे के सारे। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट था मेरे मित्रों। अब ये जो पेपर फर्स्ट है ना, ये पेपर जो फर्स्ट है आपका, ये पेपर फर्स्ट, इस पेपर फर्स्ट में लगभग 5 से 6 यूनिट आपको, 5 से 6 यूनिट इसमें से मैं आपको करवाने वाला हूँ। 2 या 3 यूनिट 2-4 यूनिट है जो हमारे साथीगण करवाने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में आपको एक तो कंप्लीट फ्लो चार्ट में कराऊंगा, कंप्लीट फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट के माध्यम से करवाऊंगा और इसमें आपका स्कोर है ना वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। यदि आप UGC नेट का पेपर फर्स्ट मेरे से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम मेरे से 6 माह जुड़ो, जिसमें आपका पेपर सेकंड भी जो है, तो मेरे अन्य साथीगण पढ़ा रहे हैं जैसे ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो 6 माह के लिए आप पेपर फर्स्ट और मेरे साथ में पेपर सेकंड ज्योग्राफी के लिए आप जुड़ सकते हैं। सेकंड पेपर क्या होना चाहिए, भूगोल। जिनका सेकंड पेपर अदर सब्जेक्ट है, तो मेरे अन्य साथीगण यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, तो आप कम से कम 6 माह के लिए, यदि आप वास्तव में नेट करना चाहते हैं, GRF करना चाहते हैं, तो मेरे से 6 माह के लिए जुड़कर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे नाटा के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट यूर गोल में है ना, आप डालोगे ये नाटा नेट का एग्जाम आ गया आपका और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके ये फीस आ जाएगी, आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लो कम से कम, ठीक है, और ज़्यादा अगर आपकी भक्ति जोर दे तो आप 1 साल का ले लो, क्योंकि 1 साल और 6 महीने में फीस में मात्र 1200 रुपये के आसपास का अंतर है, तो 1 साल का ही लो। और या फिर रेफरल कोड में Rajendra10, आप रेफरल कोड Rajendra10 यूज करोगे तो ही मेरी क्लास आपको शो होंगी, पेपर फर्स्ट हो और पेपर सेकंड हो। पेपर फर्स्ट में 5 या 6 यूनिट आपको कंप्लीट फ्लो चार्ट में करवाऊंगा, मेरे अलावा मेरे अन्य साथियों की क्लास भी आपको देखने को मिलेंगी। तो रेफरल कोड Rajendra10 यूज करोगे तो ही आपको क्लास दिखेंगी और इसको अप्लाई करना न भूलना। अप्लाई करना है रेफरल कोड करके और यहाँ पे अप्लाई करना Rajendra10, तो आपकी जो फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो Rajendra10 करने से आपकी जो फीस है वो, जैसे 24 महीनों की फीस इसमें 12,600 सी, हाफ टर्म इसमें कितनी हो गई, 11,300। तो मेरे मित्रों, यदि आप जुड़ के पेपर फर्स्ट कंप्लीट फ्लो चार्ट में पढ़ना चाहते हैं, सिद्धत से पढ़ना चाहते हैं, तो रेफरल कोड Rajendra10 यूज करें, जिससे आपको मेरी क्लास दिखेंगी, अदरवाइज आपको क्लास भी शो नहीं होंगी, ठीक है। क्लास रनिंग में है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बिना समय गवाए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके बहुत पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जून वाला नेट का एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया। अब मैं एक पेपर फर्स्ट का पूरा मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग, जैसे एक यूनिट के पांच सवाल, सारे मॉडल पेपर डिट्टो ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको उबू देखने को मिलेगा, अर्थात ऐसी पैटर्न पे पेपर आएगा। तो वो आपका कल मैं आपको एक आपके सामने एक ऐसा मॉडल पेपर आऊँगा, लेकर आऊँगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है मेरे मित्रों। और ये आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, तो बिना समय देरी किए हो जुड़ सकते हो, बेहतरीन तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। यूज रेफरल कोड Rajendra10, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, बाय एवरीबॉडी।